दोस्त, अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की सोच भी मत रखना। तुमको क्या लगता है कि जीत चलकर तुम्हारे पास आएगी, तुमसे गले लगेगी? दोस्त, ना तो कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा। तुम्हें खुद ही जिंदगी की जंग लड़नी होगी, कांटों पर चलकर आगे बढ़ना होगा। अरे छोटी सी चींटी को देख लो, अपने से ज़्यादा वजन लेकर चलती है। अगर उसे दीवार को पार करना है तो करना है, चाहे बीच में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए। अगर हारने से डरते रहोगे तो जीतने की इच्छा भी मत रखना दोस्त, कभी जीत नहीं पाओगे। जब आप छोटे थे, बचपन में अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन हिम्मत करी और अंधेरे में कदम बढ़ाया, दूसरा बढ़ाया, तीसरा बढ़ाया, बस फिर चलता ही रहा, पीछे नहीं हटा। अब अंधेरे से डर लगता है नहीं ना? जब आपको हार का डर सताए तो आगे कदम बढ़ाओ, डर के आगे सच में जीत है दोस्त। और अगर आप डर कर पीछे हट गए तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चलो एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी आपको हारने नहीं देगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है, अगर लड़का हार मान लेता तो आज ये करोड़ों का मालिक नहीं होता। इसका उसका नाम था श्रीकांत बुल्ला। ये लड़का बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और बचपन से अंधा भी था। एक बार जब वो अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटा रहा था तो खेतों में तो कुछ ऐसा हुआ कि उसके पिता को लगा कि उसका बेटा खेतों में काम करने के नहीं बना है, इसलिए उसने उसको पढ़ाने का सोचा। अंधे बच्चों को पढ़ाना आसान बात नहीं थी, वो भी एक गाँव है जहाँ पर अंधे बच्चे तो क्या, दूसरे बच्चों के लिए भी स्कूल ना हो। वो स्कूल में आम बच्चों की तरह पढ़ने लगा। जब तक उसने 10वीं में 90% से ज़्यादा अंक हासिल ना कर लिए, उसने 12वीं में साइंस लेने का फैसला किया। और इसके पीछे लोग हंसने लगे और मजाक बनाने लगे, और बहुत से लोगों ने उसे कहा कि तुमको आर्ट्स लेनी चाहिए, और इसके लिए उसने सरकार का विरोध भी किया। और बाद में सरकार ने कहा कि वो साइंस अपने जोखिम पर ले सकता है, पर उसने सबका मुंह बंद कर दिया। जब उसके 12वीं में 97% आए, उसने वहाँ से पढ़ाई पूरी करके अपनी कंपनी खोली जिसमें 1000 से ज़्यादा विकलांग लोग हैं। उस कंपनी की आज कीमत करोड़ों डॉलर में है दोस्त। लाइफ में सफल वही होता है दोस्त जो अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखकर कभी भी हार नहीं मानता है, हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखता है। कभी भी आपको सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी, उसके लिए तुमको संघर्ष करना होगा। लेकिन आपको समस्याओं से घबरा कर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टिक कर उसका सामना करने की ज़रूरत है। और आज के टाइम में आपको सफल होने के लिए तन और मन से कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर आपका मन किसी भी तरह के लक्ष्य को पाने के लिए तैयार है तो आपको सफल होने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।